हेलो फ्रेंड्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। पीएसपी यानी कि पंडित सोनू वेद पाठी, आपका स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष के अंदर ज्योतिष का गणित। वह गणित में शुरुआत करते हैं ज्योतिष के गणित की आज से। क्या है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे पहले के समय में, वे भविष्यवाणियाँ जब भी करते थे वो तो अपने ध्यान से करते थे, अपने योग बल से करते थे, या अपने ध्यान को एक जगह आसमान में केंद्रित करके करते थे। उस समय भी वे नक्षत्रों की, राशियों की चाल देख करके कोई भी भविष्यवाणी की जाती थी कि वो किस स्थिति में है। पर हम आजकल ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो उतना संसाधन है आसमान की तरफ देख के बताने लायक, और ना ही उतना तप है उन ऋषि मुनियों की तरह। तो मैथ की तरफ चलते हैं और मैथ से आपको सिखाएंगे कैसे कि ऋषि मुनियों ने जब हमारे इस संसार को पारा, संसार नहीं ब्रह्मांड को, राशियों में परिवर्तित किया और इस ब्रह्मांड का विभाजन किया, 12 खंडों में विभाजन किया, और 12 खंड जो बने वे राशियां बनी। तो एक राशि का विस्तार कितना है, उनके बाद फिर कुछ ऋषियों ने फिर दोबारा से विभाजन किया। वो नक्षत्रों के लिए किया था, 27 नक्षत्रों के लिए। और देखते हैं 27 नक्षत्रों का विभाजन करा वो कैसे किया था, कि जैसे कि कोई भी गोल वस्तु उसका विस्तार 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड किया और 12 से किया डिवाइड, और फिर उसके बाद कुछ ऋषियों ने दोबारा से फिर 27 नक्षत्रों के थ्रू डिवाइड किया, और 307 डिग्री को डिवाइड करने में जो भी आया हमारा, वह एक राशि का विस्तार होगा, और दूसरा जो 27 से करेंगे डिवाइड तो वो हमारा एक नक्षत्र का विस्तार होगा। आओ देखते हैं नक्षत्र, नक्षत्र के चरण तक चलते हैं आज गणित में। चलो तो देखते हैं फिर मैथमेटिक्स में। आपको कॉपी पे लेके, और जैसे कि कोई भी ये रहा 360 डिग्री, किसी भी गोल चीज़ की जो विस्तार होता है वो 307 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब हमने क्या करा, 360 को 12 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आया 30 डिग्री। जो हमारे ये 30 डिग्री क्या आया है कि ये एक राशि का विस्तार है, ये एक राशि का विस्तार। ये एक राशि का विस्तार आया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद फिर कुछ और अन्य हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्या किया कि 27 नक्षत्र की खोज की, और 27 नक्षत्रों की खोज करने के बाद फिर इस ब्रह्मांड को फिर से उन्होंने 27 भागों में बांट दिया। तो फिर 27 भागों में बांट के, तो देखते हैं फिर मैथमेटिक्स। तो उन ऋषियों ने इसको 360 को फिर से डिवाइड किया 27 में, 27 से, और 27 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 13.20, 13 डिग्री 20 मिनट। तो ये 13.20 आया है हमारा, ये हमारा एक एक नक्षत्र का विस्तार है हमारा 13.13 डिग्री 20 मिनट, ठीक। अब
फिर कुछ ऋषियों ने एक नक्षत्र का विस्तार हमारा 13.20 है और एक राशि का विस्तार है हमारा 30 डिग्री। तो अब इसके बाद नक्षत्र के बाद आते हैं नक्षत्र के चरण। नक्षत्र के चरणों का भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने एक नक्षत्र का ही पता चला है विस्तार कितना है कि 13 डिग्री 20 है। तो अब नक्षत्र के चरण का भी विस्तार करते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चलो करते हैं उसका। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, चरण हैं। तो एक चरण का विस्तार क्या होगा हमारा, वो निकालते हैं। चलो अब हमने 13.20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.20। ठीक, तो ये एक नक्षत्र का एक चरण, नक्षत्र का चरण का विस्तार विस्तार है 3 डिग्री 20 मिनट। ये निकला हमारा। हमने देखा कि जो पहले हमारे ऋषियों ने सबसे पहले कि डीपनेस में जानते हैं ना, सबसे ज़्यादा गहराई में घुसने वाला काम, पहले तो हमारे ऋषियों ने शुरू में ब्रह्मांड को 12 से डिवाइड किया, एक राशि का निकाला। फिर कुछ समय तक संतुष्टि थी, फिर कुछ ऋषि पैदा हुए, उन्होंने फिर से दोबारा रिसर्च करी और फिर और खोज करी, तो उसमें 27 नक्षत्र निकाले। फिर और सोचा कि और गहराई में जाएं, तो नक्षत्र की हमने निकालने के बाद ये 13.20 निकाल दिया एक नक्षत्र का विस्तार। फिर कुछ ऋषियों ने फिर क्या करा कि अब यहाँ पर संतुष्टि नहीं हो रही, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तो वो उन्होंने क्या करा, एक नक्षत्र के 4 चरण कर दिए। तो जो नक्षत्र के 4 चरण थे, नक्षत्र के चरण का विस्तार 13.20 था, तो नक्षत्र का 4 चरण थे, उन्होंने क्या करा, 4 को उसको डिवाइड कर दिया 13.20 को 4 से, तो 3.20 आ गया। तो एक नक्षत्र का विस्तार हुआ हमारा 3.20 डिग्री। ये हमारा जो था राशि, ये जो हुई हमारी राशि, ये नक्षत्र का विस्तार और ये हमारे एक नक्षत्र के चरण का विस्तार। कहते हैं इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदलती है। आज भी वैसा ही है स्वभाव इंसान का, और पहले भी वैसा ही था। कि पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, पहले तो उन्होंने राशियों की खोज करी। राशियों की खोज करने के बाद उन्होंने सोचा और भी गहराई में जाना चाहिए। फिर कुछ ऋषियों ने नक्षत्रों की खोज की, उससे भी कुछ संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि नक्षत्रों का भी इनके पार्टीशन कर दिया जाए। एक नक्षत्र के 4 पार्टीशन कर दिए गए, तो जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि एक राशि का विस्तार 30 डिग्री है, एक नक्षत्र का विस्तार 13.20 डिग्री है और एक नक्षत्र के चरण का विस्तार 3.20 डिग्री है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि आगे आगे हमें इनके बारे में जानकारी और पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें कुंडली बनानी है, तो कुंडली बनाने के लिए भी इनका पता होना चाहिए कि एक नक्षत्र का विस्तार कितना है और एक राशि का विस्तार कितना है और एक नक्षत्र के चरण का विस्तार कितना है। क्योंकि जब तक हमें इनका पता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी बच्चे के या जातक की कुंडली को बना कैसे पाएंगे, जब तक हम उसकी एक्यूरेट कुंडली नहीं बना सकते, जब तक कि हमें इस बारे में नहीं पता होगा।
जब हम कुंडली के राशि के किस हिस्से में बच्चे का जन्म हुआ है वह, और राशि के साथ साथ नक्षत्र के भी किस हिस्से में पहले चरण में जन्म हुआ है, दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तीसरे में जन्म हुआ है, चौथे जन्म नक्षत्र में चरण में जन्म हुआ है बच्चे का, उसी हिसाब से बच्चे के नाम रखा जाएगा, उसके स्वभाव के बारे में बताया जाएगा और उसका भविष्य के आंकलन सही तभी किया जा सकता है तब जब हमारे कुंडली सही होगी तो। और कुंडली सही होने के लिए हमारे को ये जो गणित है, गणित हमारा सही होना चाहिए। तो आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में तो बेल आइकन आया उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा।